हाय एवरीवन, तो फ्रेंड्स देखिए, क्विक आईटीआर फाइलिंग के लिए ई फाइलिंग लाइट के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ऐसी फैसिलिटी लॉन्च की है जिसके जरिए अब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर बिना लॉगिन किए अपने ई फाइल्ड आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकेंगे। यह फैसिलिटी एकदम लेटेस्ट लॉन्च की गई है और इसे आप इस वेबसाइट पर यहां देख सकते हैं न्यूज एंड अपडेट के इस सेक्शन में। फ्रेंड्स आपको बता दें कि आपको अपने आईटीआर की ई फाइलिंग के बाद उसे वेरीफाई करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आपका आईटीआर जब सक्सेसफुली वेरीफाई होगा तभी आपका ई फाइल्ड रिटर्न वैलिडेट और कंप्लीट माना जाएगा और उसके बाद ही आपके आईटीआर को प्रोसेस किया जाएगा और आपका रिफंड अगर बनता है तो आपको आपका रिफंड दिया जाएगा। फ्रेंड्स आप अपने ई फाइल्ड आईटीआर को ई वेरीफाई ऑनलाइन कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, नेट बैंकिंग या फिर अपने आधार नंबर के जरिए, जबकि ऑफलाइन वेरीफाई करने के लिए आपको अपने ई फाइल्ड आईटीआर को सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु सेंड करना पड़ता है। फ्रेंड्स अगर इस फैसिलिटी की बात करें तो यह फैसिलिटी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है जब आपका आईटीआर कोई और फाइल करता है और वो आपको आपके इनकम टैक्स पोर्टल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं देता है और आपको अपने आईटीआर को वेरीफाई और वैलिडेट करने के लिए पोस्ट के जरिए सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु भेजना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते और समझते हैं लाइव कि कैसे आप अपने आईटीआर के ई फाइलिंग के बाद उसे ई वेरीफाई कर सकते हैं, वो भी इनकम टैक्स पोर्टल पर बिना लॉगिन हुए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग .gov.in पर आना है और यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में क्विक लिंक्स के अंडर देख सकते हैं ई वेरीफाई रिटर्न जो कि एकदम लेटेस्ट लॉन्च किया गया है। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, फिर जो पेज ओपन होगा यहाँ पर ध्यान में रखें कि ये जो भी फील्ड्स जहाँ पर एस्टेरिक्स मार्क्स दिया हुआ है आपको इन फील्ड्स को फिल करना मैंडेटरी है और यहाँ पर कुछ नोट्स भी दिए हुए हैं, आपको इन नोट्स को भी पढ़ लेना है। सबसे पहले आपको बता दें कि यह ई वेरीफाई रिटर्न की फैसिलिटी बिना पोर्टल पर लॉगिन हुए इस असेसमेंट ईयर 2019-20 से ही शुरू हुई है, इसलिए आप इससे पहले के असेसमेंट ईयर को ई वेरीफाई बिना पोर्टल पर लॉगिन हुए नहीं कर सकेंगे। फ्यूचर में हो सकता है कि पिछले असेसमेंट ईयर्स के लिए भी यह फैसिलिटी स्टार्ट कर दी जाए। फ्रेंड्स इसके अलावा यह फैसिलिटी उस सिचुएशन में नहीं यूज की जा सकती है जहां पर आपको अपने आईटीआर को डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू ही फाइल करना मैंडेटरी हो। साथ ही फ्रेंड्स यह फैसिलिटी आप उस सिचुएशन में नहीं यूज कर सकेंगे जब आपका रिटर्न आपके किसी ऑथराइज सिग्नेटरी या फिर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के द्वारा फाइल किया जाता हो। उस सिचुएशन में आपके ऑथराइज सिग्नेटरी या फिर रिप्रेजेंटेटिव एसएससी को ही पोर्टल पर लॉगिन होकर आपके आईटीआर को ई वेरीफाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स नॉर्मल सभी केसेस में आप अपने आईटीआर को अब ई वेरीफाई कर सकेंगे पोर्टल पर बिना लॉगिन हुए। तो चलिए फ्रेंड्स इस फॉर्म में डेटा को फिल करते हैं। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन लगेगी वो है आपका पैन, आपको यहाँ पर अपना पैन फिल करना है। फिर जिस असेसमेंट ईयर के लिए आप अपने ई फाइल्ड आईटीआर को वेरीफाई करना चाहते हैं वो असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर ले, जैसे कि अभी 2019-20 से ही ये फैसिलिटी स्टार्ट हुई है तो बाय डिफॉल्ट यही असेसमेंट ईयर आएगा, आपको यह सिलेक्ट कर लेना है। फ्रेंड्स थर्ड फील्ड है एक्नॉलेजमेंट नंबर, यह एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको आपके आईटीआर वी से मिल जाएगा। यह आईटीआर वी एक ऐसा फॉर्म है जो उस समय जनरेट होता है जब आपके इनकम टैक्स रिटर्न की ई फाइलिंग कंप्लीट हो चुकी हो। तो फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर फिल कर देते हैं। तो अगर आपके पास आईटीआर वी है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो यहाँ पर आप उस आईटीआर वी में देख सकेंगे ई फाइलिंग एक्नॉलेजमेंट नंबर, आपको यह एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर आप पेस्ट कर दें, फिर आपको ये कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। फिर फ्रेंड्स जो पेज ओपन होगा वह है ई वेरीफाई रिटर्न का, जहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पैन आपको शो होगा, असेसमेंट ईयर शो होगा, आपका वह आईटीआर फॉर्म जिसे आपने ई फाइल किया है वह यहाँ पर शो होगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर जिसे आपने अभी फिल किया है वह शो होगा। तो फ्रेंड्स देखिए आईटीआर को ई वेरीफाई करने के लिए तीन ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन वन कि आपके पास अगर ई वेरीफिकेशन कोड ऑलरेडी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उस ई वेरीफिकेशन कोड को यहाँ पर फिल करके अपने आईटीआर को फाइल कर सकेंगे। ऑप्शन टू, अगर आपके पास ई वेरीफिकेशन कोड नहीं है तो आप अपने बैंक अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड यानी कि ईवीसी जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ध्यान में रखें कि आप अगर अपने बैंक अकाउंट नंबर के थ्रू ईवीसी जनरेट करना चाहते हैं और आपका बैंक अकाउंट जो आपके इनकम टैक्स अकाउंट से अटैच्ड है उसमें आपका अगर बैंक अकाउंट ऑलरेडी प्री वैलिडेटेड किया हुआ है यानी कि प्री वेरीफाई किया हुआ है तो आप इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट जिसे आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में यूज करते हैं वह आपके इनकम टैक्स अकाउंट में लॉग इन करने के बाद प्री वैलिडेट नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आपको आपके इनकम टैक्स प्रोफाइल में जाने के बाद उसे रिवैलिडेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस फैसिलिटी को यूज कर सकेंगे। फ्रेंड्स ये फैसिलिटी उस समय भी बहुत हेल्पफुल है जब आपका बैंक अकाउंट ऑलरेडी रिवैलिडेटेड रहे, लेकिन आप जब भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड अगर कोई ओटीपी या फिर ईवीसी कोड आपके मोबाइल पर आता है और आप उसे अपने कंसल्टेंट या फिर जो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है उसे नहीं देना चाहते हैं और उसे आप खुद से वेरीफाई करना चाहते हैं तो यह फैसिलिटी उस सिचुएशन
कंसर्न में भी बहुत हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास आपका बैंक अकाउंट रिवैलिडेटेड है और उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास रेडी है, तो आप यस के बटन पर क्लिक करके जो ईवीसी आएगा उसे आप फिल करने के बाद रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद थर्ड और मोस्ट इजिएस्ट ऑप्शन है, जहां पर आप अपने आधार के जरिए अपने ई फाइल आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं। आपको बता दें, आप अपने आधार के जरिए अपने ई फाइल आईटीआर को उसी समय ई वेरीफाई कर सकेंगे जब आपके आधार रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया हुआ हो वह मोबाइल नंबर आपके पास रेडी रहे, क्योंकि उस मोबाइल नंबर में एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को ही यहां पर फिल करके आप अपने आईटीआर को ई वेरीफाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम इस थर्ड और मोस्ट इजिएस्ट ऑप्शन के जरिए अपने ई फाइल आईटीआर को ई वेरीफाई करेंगे। तो चलिए हम इस लिंक पर यानी कि इस ऑप्शन 3 पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर मैसेज शो हो रहा है, आई वुड लाइक टू जनरेट आधार ओटीपी नाउ। हम अभी आधार ओटीपी को जनरेट करना चाहते हैं, इसलिए हम इस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके आईटीआर को ई वेरीफाई करने के लिए जिसका एक्नॉलेजमेंट नंबर यह है उससे रिलेटेड ओटीपी आपके उस मोबाइल नंबर में सेंड किया गया है जो आधार के साथ रजिस्टर्ड है। तो आप अपना मोबाइल चेक करें और जो ओटीपी आया है उसे यहाँ पर फिल कर दें। और उसके बाद आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डेटा विद यूआईडीआई के इस डिक्लेरेशन के सामने दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करें और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं आपका जो आईटीआर जिसे आपने ई फाइल किया था उससे रिलेटेड ई वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और यहां पर बताया जा रहा है कि ई वेरिफिकेशन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आधार ओटीपी के साथ आपके ईमेल आईडी में एक्नॉलेजमेंट सेंड कर दिया जाएगा, जिसे आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन होने के बाद व्यू ई फाइल रिटर्न्स के ऑप्शन के अंडर भी चेक कर सकते हैं। आपका आईटीआर ई वेरीफाई हो चुका है। तो आई होप फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई यह लेटेस्ट फैसिलिटी ई वेरीफाई रिटर्न से रिलेटेड हमने आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल जानकारी देने की कोशिश की। अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प या फिर वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और के साथ इस वीडियो इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उन्हें भी इस फैसिलिटी से अवेयर कराएं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं टैक्सेस एंड कंप्लायंसेस और बहुत से एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।